सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक तो समाप्त हो गई है, लेकिन एक बात जो है वो जरूर गूंजी है, वो है भाग्यनगर। आखिर क्या हैदराबाद का भाग्य बदलने जा रहा है? जी बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जिस तरह का उत्साह यहाँ के लोगों में है, मुझे लगता है कि भाग्यनगर जो है उसका सौभाग्य बहुत जल्द उदय होने वाला है। और क्योंकि इस बात को हम कार्यकर्ताओं ने बहुत धरातल पर महसूस किया, जो 117 विधानसभा हैं वहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी लगी और हम लोग 48 घंटों तक जो वहाँ पर रहे, तो वहाँ पर जो लोग यहाँ की सरकार से और यहाँ के परिवारवाद से त्रस्त हैं, उन्होंने अपनी अपनी गाथा बताई। और इसके साथ साथ आयुष्मान जैसी एक ऐसी योजना जिससे हमारे, आप ये देखिए कि लाखों हमारे नागरिक हैं उनको लाभ मिल रहा है और वो योजना यहाँ पर लागू नहीं हो रही है, इन सब के बारे में जो है चर्चा हुई। और उसके बारे में जो है वो बताया गया कि सरकारों को, राज्य सरकारों को केंद्र की जो भी अच्छी योजनाएं हैं उनको लागू करना चाहिए। गोयल जी ने एक बात का जिक्र किया, क्योंकि आपने भी योजनाओं की बात की, उन्होंने कहा कि केंद्र की योजनाएं राज्य तक नहीं पहुंच पाती है। क्या आपको लगता है ये वो नाराजगी है जो आप लोगों के सामने निकल कर भी आई? हाँ नहीं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। ये जो 117 विधानसभाओं में अलग अलग कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी लगी, तो उसमें उन्होंने अपने अनुभव बताए। और अपने अनुभवों में मैंने खुद, अगर मैं अपने पर्सनल आपको अपना अनुभव बताऊँ, तो यहाँ मैं तुंगतुर्थी में मेरी जिम्मेवारी लगी थी। आप ये देखिए, वहाँ पर लिटरली एक परिवार जो है ये इस बात को लेकर परेशान था कि आयुष्मान योजना का लाभ उन लोगों को नहीं मिल रहा है। हमसे बात करेंगे कैमरा पर्सन रोहन के साथ, मैं भावना, 9 न्यूज़ हैदराबाद।